नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। शिलान्यास से पहले ही सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। सीएम ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की है और इसके बाद जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की चार दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भी 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023 और 2024 से तक पूरा कर लिया जाएगा और इसी समय सीमा के जनता के लिए भी एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य रख दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 2024 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी जिससे पहली उड़ान भरी जा सकती है। परमवीर सिंह ने बताया है कि पहले दो टूक पट्टी तैयार होगी और इसके बाद 5 हवाई पट्टियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होंगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 9 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं, साथ ही शौचालय के लिए भी जगह जगह पर व्यवस्था की गई है ताकि दूर दराज से आए लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। एक तरफ जहां इनके इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने किसानों ने स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा आज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद आज की ट्रैक्टर रैली को काफी दिलचस्प माना जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी तो ये भी है कि ये रैली दोपहर 12 बजे से बागवत जोड़ी में शुरू होकर तहसील में समाप्त होगी। रैली में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय किसान अनुसंधान केंद्र दिल्ली के डायरेक्टर राजकुमार शहरावत और मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और इस बीच बीजेपी किसान मोर्चा ने भी चुनावी तैयारियों के तहत जिलों में बीजेपी का किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने को कहा है। और इसी कड़ी में ही बागपत जिले में भी आज यानी 23 नवंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बड़ौद शहर में बीजेपी में भी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र तुगाना ने भी कहा है कि ये रैली सभी जनपदों में ही अलग अलग दिन निकाली जाएगी। बता दें कि हाल ही में इस रैली में संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी किसान मोर्चा के एक सदस्य ने कहा है कि वो भी एक किसान हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का वो भी समर्थन करते हैं। इस रैली के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक्टर रैली में कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 500 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे और रैली की सभी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष को सौंपी गई है। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद से ही अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी पर तकरार शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अजय मिश्रा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लखीमपुर में चीनी मिल के उद्घाटन में टेनी पहुंचते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि लखीमपुर में एक चीनी मिल का उद्घाटन होना है, इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चीनी मिल के प्रस्तावित उद्घाटन का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, अगर टेनी चीनी मिल का उद्घाटन करने आते हैं तो उस चीनी मिल में कोई गन्ना नहीं लेकर जाएगा
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान गन्ना जिलाधिकारी के कार्यालय ले जाएंगे, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हो। इससे पहले राकेश टिकैत ने सोमवार को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार करने की मांग की थी और उनकी तुलना एक आतंकवादी से भी की थी। लखनऊ के इको गार्डन में भी आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कश्मीर के आतंकवादियों को आगरा जेल में बंद किया जा सकता है तो किसानों का हत्यारा भी आतंकवादी है और उसे भी आगरा जेल में जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैनी की गिरफ्तारी हमारे मुख्य मुद्दों में से एक है। उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर के बाद वो 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहेंगे और 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से भी मिलेंगे और उन किसानों से भी मिलेंगे जो जेल में बंद है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे और इस दौरान किसानों पर वाहन चढ़ा दिए गए थे और इस मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा। आशीष मिश्रा फिलहाल जेल में ही हैं और लेकिन किसान अब टेनी के इस्तीफे पर अड़े हुए। मुसलमानों के लिए नियम कायदे बनाने वाले ओवैसी को लेकर भी बोर्ड ने केंद्र सरकार को ये साफ कह दिया है कि उन्हें कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता चाहे आंशिक हो या फिर पूर्ण, प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, उसे बोर्ड के मेंबर किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रस्ताव में बढ़ती महिला हिंसा और बलात्कार को लेकर भी अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को बेहद सख्त कानून बनाने होंगे और भ्रूण हत्या को लेकर भी हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसके अलावा 27वें अधिवेश में भी इस निंदा के खिलाफ कानून बनाने की अपील भी की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी ना करे, तो उसे अगर करता है टिप्पणी तो उसे सजा मिल सके। और साथ ही इसमें यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक पर सरकार या कोई भी टिप्पणी ना करे। इसके अधिकार सिर्फ धर्म गुरुओं को ही दिया गया है। 2 दिन चले बोर्ड के अधिवेशन के बाद महामंत्री मौलाना खालिद और रहमानी और मौलाना फजलुर रहीम और भी कई मौलाना जो इसमें हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आखिरी सेशन में भी पारित प्रस्तावों और फैसलों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड की बैठक में कहा गया है कि हाल में ही आखिरी पैगंबर की जो शान में लगातार अपशब्द कहे गए हैं, मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के मुसलमानों के रहबर हैं और रहनुमा हैं और उनकी शान में ही गुस्ताखी से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंची है और इसके साथ ही कहा कि सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए बोर्ड ने सरकार से इसके लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। यहां सदस्यों ने यह भी कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन गलत है और इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ है, लेकिन अपने धर्म की अच्छी बातें बताने पर संविधान में कोई रोक नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें कि हाल ही में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें अब छोड़ा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शादियों में बेटी की मर्जी का भी ख्याल रखा जाए। सिफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव ने दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हालांकि ये प्रतियोगिता तो कुछ घंटे में ही खत्म हो गई, लेकिन परिवार का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसका सबूत है कल से मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर ही सामने आई तस्वीरें, जहां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने अलग अलग जश्न मनाया। लखनऊ में ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन परिवार के साथ मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव ने सिफई में अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया। शिवपाल यादव के जश्न में सिर्फ उनके समर्थक ही नजर आए हैं, मतलब साफ होता है कि मुलायम सिंह के जन्मदिन पर ही अखिलेश और शिवपाल के आंकड़े ठीक नहीं है। दरअसल माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव
साथ आ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल पर हर मंच पर से ही अखिलेश के साथ गठबंधन की बात करते रहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कभी भी खुले मंच से शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में लेने की बात नहीं कही है, लेकिन मुलायम सिंह के जन्मदिन पर भी ये दोनों साथ नहीं दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ओबीसी पर सीएए कानून को निरस्त करने की भी मांग करने पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने ओबीसी की बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और बीजेपी के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ओबीसी और बीजेपी के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता है। उन्हें इस बारे में एक टीवी चैनल पर बात नहीं करनी चाहिए और वो बीजेपी से इस संबंध में सीधे ही पूछ सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद से ही ओवैसी ने पीएम से मांग की है कि अब सीएए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर निरस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा शाहीन बाग बनेगा। गोंडा के थाना परसपुर क्षेत्र के एक गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बीते 18 नवंबर को ही संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में पुलिस की जांच के दौरान एक नया मोड़ आया है। पिता ही अपनी बेटी का कातिल निकला है। लोग के चलते ही पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटका दिया था और पूरी झूठी कहानी रचने के लिए अपने ही भाई के ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या मानकर ही घटना की जांच कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या की धारा मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन जांच के दौरान ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है आरोपी पिता को। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों उनका दूर का रिश्तेदार के कार्यक्रम में आया हुआ था और उनकी लड़की से बात करने लगा था। इस बात से पिता नाराज था और लगातार बात करने से मना भी कर रहा था। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच की जा रही है। पुलिस टीम को जांच के दौरान घटना में नया मोड़ भी आया कि कुछ दिन पूर्व उपेंद्र मिश्रा के पिता की 13वीं संस्कार था और जिसमें उनके बड़े भाई अरविंद मिश्रा के साले का लड़का थाना रदौली जनपद अयोध्या उनके गांव आया था, जो उपेंद्र मिश्रा की पुत्री से बातचीत करने लगा था। जब इसकी जानकारी उसके पिता उपेंद्र मिश्रा को होने लगी तो अपनी लड़की को कई बार बातचीत करने से मना भी किया, परंतु लड़की ने बात नहीं मानी, जिसके बाद पिता ने हत्या के संगीन मामले को अंजाम दिया। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए कुछ मनबड़ ने ही सरेआम बीच सड़क पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक दुकान पर सौदा लेने के लिए 22 साल के युवक से दुकान मालिक ने कहा सुनी हुई, जिसके बाद फिर दुकान मालिक और उसके साथियों ने राजेंद्र की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। राजेंद्र जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसकी मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस में आई और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर ही युवकों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि यहां पे फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात है और घटना ब्लॉक रोड पर बरसाती किराना की दुकान पर हुई। और बताया यह भी जा रहा है कि आज शाम को करीब 7 बता दें आपको जानकारी ये भी है कि लड़का 22 वर्षीय राजेंद्र किसी काम से बरसाती किराना की दुकान पर गया था। चर्चाओं के अनुसार राजेंद्र नशे में था। वहां किसी बात पर दुकानदार से झगड़ा हो गया। वहां पर मौजूद लोगों में भी ये घटना जो है वो सामने आई है। मारपीट तक घटना पहुंच गई थी और बताया जा रहा है कि दुकानदार दोनों भाइयों ने लाठी डंडे से राजेंद्र की पिटाई कर दी। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र
उपेंद्र नाथ चौधरी और क्षेत्र अधिकारी शक्ति सिंह सहित भारी पुलिस बल जो थे वहां पे तैनात हुए। आपको बता दें कि छानबीन शुरू कर दी है और दोनों आरोपी युवक फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिन दो युवकों पर जो पिटाई का आरोप है वे हरि प्रसाद चौधरी के बेटे हैं और इन्हीं की बरसाती किराना नाम की दुकान है। घटना स्थल पर निरीक्षण और मृतक के परिजनों से बात करने के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि राजेंद्र के परिवार की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अंतरिक्ष का शब्द सुनते ही लोगों के में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, रहस्य जाग जाते हैं और अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक समय समय पर कुछ न कुछ खुलासे भी करते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष अब दुनिया में कई लोगों के लिए एक बाजार बन गया है और कैसे, ये आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष दुनिया के लिए एक रहस्य जिसके बारे में वैज्ञानिक समय समय पर खुलासे करते रहते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष अब दुनिया में कई लोगों के लिए एक बाजार बन गया और कई स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये जंग का मैदान बनने जा रहा है और जल्द ही अंतरिक्ष से व्यापार की शुरुआत होने वाली, जिससे व्यापारियों को करोड़ फायदा होगा। और जानकारों की अनुमान है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष उद्योग सबसे तेजी से विकास करने वाला उद्योग बनेगा। अंतरिक्ष के जरिए ग्लोबल इंटरनेट को लेकर तेजी से काम भी हो रहा है, तो वहीं यहां से कई डाटा भी मिल रहे हैं और अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अंतरिक्ष से कैसे व्यापार होगा। आइए जानते हैं अंतरिक्ष से होने वाले व्यापार के बारे में। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके माध्यम से कई तरह की आर्थिक संभावनाएं पैदा होंगी और रिपोर्ट के मुताबिक 3 स्टार्टअप कंपनियां अंतरिक्ष तक माल ले जाने के लिए 3 रॉकेट के निर्माण की तैयारी में लगी और इन कंपनियों की 100 से अधिक कंपनियों के साथ कंपटीशन है और कंपनियों का कहना है कि वो हर हफ्ते रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके काफी फायदा होगा और अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने को लेकर भी कई कंपनियां तैयारी कर रही। और एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 100 से अधिक कंपनियां काम कर रही और बेहतर डाटा के लिए कंपनियां सैटेलाइट का प्रयोग कर रही और कंपनियों को इससे काफी फायदा मिल रहा है और अब इस व्यापार से दुनिया के कई देश जुड़ने जा रहे जो पहले इस क्षेत्र के आसपास भी नहीं थे। और वहीं पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष का मलबा भी घूम रहा है और इस खतरे से निपटने के लिए जापान की कई कंपनियां तैयारी कर रही और वो इसके लिए नए उपायों का परीक्षण करने में लगी हुई है और आने वाले समय में उनका लक्ष्य इससे व्यापार करने का है। अंतरिक्ष में पड़े कचरे को साफ करने के लिए दुनिया की कई कंपनियां बाजार में पहुंच चुकी है और इन कंपनियों ने साल 2020 में 6,321 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया था और 2025 तक ये कारोबार 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। और कुछ समय पहले ही एप्पल के सह संस्थापक और तकनीकी विशेषज्ञ स्टीफन गैरी वोज ने अपनी एक निजी स्पेस कंपनी बनाने का ऐलान किया और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 तक करीब 771 सक्रिय उपग्रह धरती की चारों तरफ घूम रहे थे और कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दशक के आखिरी में 1,00,000 उपग्रह के सक्रिय होने की संभावना है। अंतरिक्ष आने वाले दिनों में व्यापार का एक विकल्प हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्य न्यूज़।